डी मैं डॉक्टर तौफीक हुसैन एसोसिएट प्रोफेसर इन हायर एजुकेशन आज हम दक्षिण भारत के दो प्रमुख राजवंश विजयनगर और भैमनी साम्राज्य के विषय में चर्चा करेंगे। हमने दिल्ली सल्तनत के विषय में पढ़ा और हमने देखा कि दक्षिणी भारत है वो सल्तनत का हिस्सा है, वो मोहब्बिन तुगलक अलाउद्दीन खिलजी के समय हो जाता है, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण पर केवल एक लगभग दक्षिण के लगभग प्रदेशों पर अधिकार किया, लेकिन उसे अपने उसे प्रत्यक्ष नियंत्रण में नहीं लिया दक्षिण को, और लगभग सभी दक्षिण के शासकों ने है वो अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार कर ली, लेकिन पांडे शासक ने अधीनता स्वीकार नहीं की। और इसके पश्चात जो मोहद्दीन तुगलक के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विस्तार होता है, लेकिन मोहद्दीन तुगलक की नीतियों के कारण से है वो जो दिल्ली सल्तनत का डिसइंटीग्रेशन प्रारंभ हो जाता है। और इसी डिसइंटीग्रेशन का यह हर्ष होता है कि दिल्ली सल्तनत अनेक छोटे छोटे राज्यों में बढ़ जाता है। इसमें दक्षिण के जो महत्वपूर्ण राज्य बने जिन्होंने दिल्ली सल्तनत से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की वे एक विजयनगर थे और भैमनी थे। तो हम आज विजयनगर साम्राज्य की चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि विजयनगर जो साम्राज्य है वो कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के मध्य स्थित था, और जिसकी स्थापना मोहद्दीन तुगलक के समय में 1336 में हरियर और बुक्का नामक दो सगे भाइयों ने की। और ये जो हरियर और बुक्का है ये वारंगल के होयसल शासकों के सामंत थे, और 1323 में मोहद्दीन तुगलक ने वारंगल पे अधिकार कर लिया, और उसके पश्चात मोहद्दीन तुगलक ने कांपिल्ले पर भी अधिकार कर लिया। और जब कांपिल्ले पर अधिकार किया तो उस समय मोहद्दीन तुगलक है वो हरियर बुक्का है उसको बंदी बना करके दिल्ली ले आता है और दिल्ली में उन्हें इस्लाम धर्म में दीक्षित कर देता है। लेकिन इसके पश्चात मोहद्दीन तुगलक है वो जब कांपिल्ले में, क्योंकि मोहद्दीन तुगलक के समय में दक्षिण के अंदर सर्वाधिक विद्रोह होते हैं और उस कांपिल्ले के अंदर वो हरियर बुक्का को कांपिल्लों के विद्रोह के दमन के लिए भेजता है, और ये हरियर और बुक्का दोनों है वो दक्षिण जाते हैं, कांपिल्ले जाते हैं, कांपिल्ले के विद्रोह का दमन करते हैं, और वहाँ एक संस्कृत के विद्वान विद्यारण्य है उससे उनकी मुलाकात होती है, और उनकी प्रेरणा से ये तुंगभद्रा नदी के तट पर है 1336 में विजयनगर साम्राज्य की नींव डालते हैं। तो इस प्रकार विजयनगर साम्राज्य की नींव डालने का श्रेय है या विजयनगर साम्राज्य के जो संस्थापक है वो हरियर और बुक्का नामक दो सगे भाइयों को जाता है, स्थापना का श्रेय इन दोनों सगे भाइयों को जाता है। अब देखिएगा, हम आगे देखेंगे कि इन विजयनगर साम्राज्य जो है वो कृष्णा नदी के दक्षिणी भाग था, और कृष्णा नदी के उत्तरी भाग पर भैमनी साम्राज्य था जो एक मुस्लिम साम्राज्य था, जबकि कृष्णा नदी के दक्षिणी भाग विजयनगर साम्राज्य था जो कि हिंदू साम्राज्य था, क्योंकि हरियर बुक्का ने वापस पुनः हिंदू धर्म ग्रहण कर लिया था। तो इन दोनों के मध्य है वो कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच का जो दुआब है उसको लेकर के संघर्ष होता है, और दोनों की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा थी क्योंकि जो कृष्णा नदी भैमनी साम्राज्य है वो उत्तर में अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर सकता था, क्योंकि उत्तर के अंदर है वो दिल्ली सल्तनत जैसा शक्तिशाली राज्य था, और विजयनगर साम्राज्य दक्षिण में अपना विस्तार नहीं कर सकता था क्योंकि वो भूमध्य सागर था। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या है कि विजयनगर और भैमनी साम्राज्य दोनों अपने साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा पूरा करने का उनका जो एकमात्र स्थान था दैट वाज कृष्णा और तुंगभद्रा नदी का दुआब था, तो इसको लेकर के लंबे समय तक वो संघर्ष चलता है। तो देखिएगा, इसके संघर्ष का मेन कारण ये था। तो विजयनगर साम्राज्य में हम देखेंगे कि इसमें चार राजवंशों ने शासन किया, जिसको संगम वंश, सुलभ वंश, तुलभ वंश और अरविंद वंश, ये चार डायनेस्टी है। इन चार डायनेस्टी ने विजयनगर साम्राज्य पे शासन किया। आप याद रखें, संगम वंश पहला, फिर सलू वंश, तुलभ वंश और अरविंद वंश है। अब देखिएगा, जहाँ तक प्रथम सलू वंश की हम बात करते हैं, विजयनगर साम्राज्य के बारे में एक बात, डायनेस्टी के बारे में अध्ययन करने से पहले आपको ये भी जानना चाहिए कि विजयनगर साम्राज्य है वो वर्तमान के अंदर जो कर्नाटक का जो हम्पी नामक जो प्रदेश है उसका एरिया विजयनगर कहलाता है। तो वर्तमान इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन है वो कर्नाटक है हम्पी, जो कि एक मंदिरों का नगर भी कहा जाता है हम्पी को। तो विजयनगर की राजधानी विजयनगर थी, विजयनगर की जो 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 पहली राजधानी थी वो तो एनाकोंडी थी, जो जिसके बारे में हम एनेगोंडी थी जो कि जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे, और बाद में विजयनगर बनी। तो विजय की राजधानी है वो विजयनगर ही है। तो विजयनगर
जो जो क्या कहना चाहिए इस पर, विजयनगर साम्राज्य क्या था, हम पॉलिटिकल हिस्ट्री की हम बात करते हैं, तो इस पर विजयनगर साम्राज्य पर चार राजवंशों ने शासन किया, जिसकी हम चर्चा करेंगे एक एक करके, जिसमें प्रमुख बातें उसकी हम चर्चा करेंगे। तो विजयनगर साम्राज्य का जो पहली डायनेस्टी थी दैट वाज संगम वंश, और संगम वंश का जैसे मैंने बताया कि दो भाई हैं हरिहर बुक्का, उन्होंने इस वंश की स्थापना की, और इसके इनके पिता का नाम संगम था, और इसी के आधार पर यह वंश है वो संगम कहलाया। तो संगम वंश का पहला शासक था हरिहर प्रथम था, और इसकी इसकी प्रारंभिक राजधानी थी अनिगोंडी थी, और उसके बाद के अंदर राजधानी है वो इसने विजयनगर को बनाया। हरिहर प्रथम के बाद में बुक्का प्रथम है वो शासक बनता है, और बुक्का प्रथम के समय में एक बात याद रखने की बात है कि इसके पुत्र कम्बन है उसने मदुरा जो जहाँ पर मुस्लिम राज्य था उसको जीत करके अपने राज्य में मिलाया, विजयनगर साम्राज्य का विस्तार किया। और ऐसी स्थिति में जो कंपन की जो पत्नी है जो बुक्का प्रथम का पुत्र था, वो उसकी पत्नी गंगा देवी है, उसने एक ग्रंथ की रचना की संस्कृत में जिसको मदुरा विजयम कहा जाता है। तो आप बुक्का प्रथम के समय में एक मदुरा विजयम नामक मदुरा विजय के उपलक्ष में गंगा देवी ने कंबन की पत्नी ने ग्रंथ लिखा संस्कृत में मदुरा विजयम, ये आप याद रखेंगे। और जो बुक्का प्रथम है उसने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि भी धारण की, वेद मार्ग इसमें राजा धीराज है, महाराजा धीराज की उपाधि धारण नहीं की, केवल उपाधि वेद मार्ग प्रतिष्ठापक में हिंदू धर्म को पुनर्स्थापित करने की उपाधि धारण की। तो बुक्का प्रथम के बाद में हरिहर सेकंड बनता है, यह संगम वंश का प्रमुख शासक था, और इसके बारे में उल्लेख मिलता है कि उसने न केवल दक्षिण भारत को विजित किया अपितु श्रीलंका और मलाया देशों को भी अपने अधिकार में किया, और इसके समय में कृष्णा और जो तुंगभद्रा नदी के मध्य का जो रायचूर दुआब कहलाता था, उसको लेकर के विजयनगर और जो बैमनी साम्राज्य उसके मध्य संघर्ष हो जाता है। तो विजयनगर साम्राज्य और बैमनी साम्राज्य के मध्य संघर्ष है हरिहर द्वितीय के समय होता है, और ये शिव के विरूपाक्ष रूप का उपासक था, और इसने क्या था कि हरिहर द्वितीय वो एक प्रकार से महाराजा धीराज की उपाधि धारण करता है। तो हरिहर द्वितीय के बाद में देवराय जो प्रथम है वो शासक बनता है, और ये इसके समय के अंदर है, आपको एक बात याद रखनी है कि इसमें इटली का यात्री निकोलस कोंटी है वो ने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की, और इसने विजयनगर साम्राज्य की भव्यता की प्रशंसा की। और इसके समय में जो देवराय प्रथम के समय में बहमनी शासक था ताजुद्दीन फिरोज शाह ने विजयनगर पर आक्रमण किया और देवराय को पराजित कर दिया, और ऐसी स्थिति में देवराय ने अपनी पुत्री का विवाह है ताजुद्दीन फिरोज शाह के साथ करना पड़ा। तो इसके समय के अंदर जो एक मैरिज मार्टियल रिलेशंस हैं, मैरिज अलायंस होता है किस किस के बीच में, बहमनी साम्राज्य के बीच में और विजयनगर साम्राज्य के बीच में, क्योंकि ताजुद्दीन फिरोज शाह है वो विजयनगर को पराजित कर देता है, और देवराय को अपनी पुत्री का विवाह है वो ताजुद्दीन फिरोज शाह बहमनी शासक के साथ करना पड़ता है। और इसके समय की एक महत्वपूर्ण घटना यह थी कि इसने तुंगभद्रा नदी पर एक बांध बनाया और विजयनगर के लिए एक नहर भी निकलाई, जिससे कि विजयनगर के अंदर सिंचाई की सुविधा हुई, जिससे कि कृषि उत्पादन के अंदर वो वृद्धि हुई। इसके पश्चात देवराय द्वितीय है वो शासक बनता है, और देवराय द्वितीय के विषय में कहा जाता है कि ये संगम वंश का सबसे प्रतापी शासक था। इसके समय में ईरानी यात्री अब्दुल रजाक विजयनगर की यात्रा करता है, और अपना उसका जो यात्रा वृत्तांत है वो मतला उस सदाइन के नाम से जाना जाता है, और उसने विजयनगर साम्राज्य का विस्तार से वो वर्णन मिलता है। तो देवराय द्वितीय द्वारा पहली बार विजयनगर साम्राज्य की सेना के अंदर है वो तुर्क सैनिकों को है वो मुस्लिम सैनिकों को भर्ती किया गया और धनुर्विद्या का प्रशिक्षण दिया गया। बाद में देवराय द्वितीय की यही नीति है वो उसके लिए हानिकारक सिद्ध हुई, क्योंकि जब तालिकोटा का युद्ध होता है तो विजयनगर साम्राज्य की पराजय का सबसे बड़ा कारण यही था, जो तुर्क सैनिक जो धनुर्विद्या से प्रशिक्षित हो गए थे वो उसके पराजय का कारण बना। और देवराय द्वितीय है उसने गजबटेर हाथियों के शिकारी और इमादी देव है उसकी उपाधि है वो भी धारण करता है। इसके पश्चात मल्लिकार्जुन है वो जिसको प्रोड देवराय कहा जाता है वो विजयनगर साम्राज्य का शासक बनता है, और इसके समय के अंदर है वो उड़ीसा और भैमनी राज्यों के बीच में विजयनगर पर आक्रमण होता है, भैमनी राज्य है वो विजयनगर पर आक्रमण करते हैं। फिर विरूपाक्ष इस संगम वंश का अंतिम शासक है वो विरूपाक्ष सेकंड था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि संगम वंश के हरिहर प्रथम है, बुक्का प्रथम है, हरिहर द्वितीय है, देवराय प्रथम है, देवराय द्वितीय है, मल्लिकार्जुन और विरूपाक्ष सेकंड है, और विरूपाक्ष सेकंड है वो संगम वंश का अंतिम शासक होता है। इसके पश्चात एक दूसरा जो राजवंश है जिसने विजयनगर साम्राज्य पर प्रशासन किया वो सलू वंश था। और सलू वंश क्या था कि जो चंद्रगिरी का एक शक्तिशाली सामंत था नरसिंह सुलभ ने संगम वंश के अंतिम शासक विरूपाक्ष सेकंड को पराजित कर दिया और एक नए वंश की स्थापना की, उसको सुलू वंश कहते हैं, और इसने विजयनगर साम्राज्य को संभावित विनाश से उससे बचाया। और इसके पश्चात
तिरुक महाराय और इमादी नरसिंह है वो विजयनगर साम्राज्य का शासक बनता है, और इमादी नरसिंह है विजयनगर साम्राज्य का अंतिम सॉरी सुलु वंश का अंतिम शासक था, और सुलु वंश का जो अंतिम शासक इमादी नरसिंह को पराजित करके के वीर नरसिंह है वो एक नए राजवंश की स्थापना करता है जिसको तुलु वंश कहते हैं। तो विजयनगर साम्राज्य का तीसरा राजवंश है दैट वाज तुलु वंश है, और इसका प्रमुख जो शासक था वो कृष्णदेव राय था। तो कृष्णदेव राय है वो तुलु वंश का प्रमुख शासक था और विजयनगर साम्राज्य का भी सबसे महत्वपूर्ण शासक था, जिसके विषय में हम कल चर्चा करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।